आज हमारे पास है टाटा टियागो और टाटा टियागो के ओनर भी हमारे साथ है, तो इनसे पूछ लेते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इनको 2 महीने ही हुए हैं इसको लिए हुए, लेकिन इस दौरान इन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर इसको चला दिया है। कुछ इसके प्रोज कुछ कौनस, एक प्रोज लेंगे कौनस लेंगे, क्या इनको दिक्कत आई है, इसके अलावा इन्होंने और कौन सी गाड़ी जो है लेने की सोची थी वो भी इनसे पूछेंगे, और आखिरकार ये टाटा टियागो पे क्यों शिफ्ट हुए। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और यही क्यों बाइक है। तो आप अपना एक बार नाम बता दो और ये बता दो कि आपने इसके अलावा और कौन सी गाड़ी जो है सोची थी लेने की। मेरा नाम राहुल है और मैंने पहले स्विफ्ट गाड़ी लेने के लिए सोची थी, लेकिन मैं एक तो इससे ज़्यादा प्राइस की कॉस्टली ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा था उसका, और इससे थोड़ी लोहे में भी थोड़ी से आयरन में कमज़ोर थी वो। अच्छा, अगर वही सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में ये थोड़ी बढ़िया थी, ये अच्छी थी। ठीक है, तो स्विफ्ट आपको लगभग कितने के आसपास की पड़ रही जो आप महंगी बता रहे हो? स्विफ्ट लगभग 7,27,000 की बताई गई। 7,27,000 मतलब 7.5 लाख के आसपास हम पकड़ के चलते हैं। और ये आपको कितने की आई? 5,53 की। 5,53 आपको आई है? हाँ जी, मेरे को 5,22 की मिली है। अच्छा, वो डिस्काउंट वगैरह करके 5,22 के आसपास। और ये कौन सा वेरिएंट है इसका? XZ है, XT है, क्या? XT है, टियागो XT। टियागो XT पेट्रोल में तो खरी है। तो एवरेज कितनी दी है? जैसे आपने बताया कि लगभग 4000 किलोमीटर आपने चला ली है, एवरेज 13.5-14 की एवरेज दे रही है, एसी के साथ ऑन रहती है। और ये रन आपका लगभग सिटी में ज्यादा रहा है? और हाईवे पे तो 1-2 बार आप गए हैं। तो ये तो इनका छोटा सा रिव्यू था। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्या इसमें पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो हम प्रोज से शुरू करते हैं। पहला इसका पॉजिटिव जो मेरे को राहुल ने बताया था वो है इसका बोनट। ठीक है, बोनट कितना हैवी है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर इसकी हैवीनेस की बात करें तो बड़ा ही हैवी है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। और राहुल ने मेरे को बताया था ये शायद जिम भी इसी से करते हो आप, ऐसे करके जिम भी कर लेते हैं। और अगर स्विफ्ट से इसकी करें आपकी तुलना, क्योंकि आप बोल रहे थे कि स्विफ्ट का लोहा थोड़ा हल्का है। हाँ, लोहा थोड़ा हल्का है इसकी, इसकी वो माने तो इसके बोनट से स्विफ्ट के 2-2.5 बोनट बन सकते हैं। अच्छा, तो 2-2.5 बोनट ये बात ठीक, ये नहीं ठीक बात है, स्विफ्ट का जो बोनट है वो थोड़ा हल्का है। सेफ्टी की तो यार बात ही ना करें तो ठीक, क्योंकि टाटा ने जो है सेफ्टी लीक शुरू की है। अब एक नेगेटिव आपने मेरे को बताया था, नेगेटिव क्या है इसका? नेगेटिव की अगर बात करें तो एक तो बोतल रखने के लिए जगह अच्छा है, बहुत कम स्पेस। बोतल है अपने पास कोई? नहीं, बोतल नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही लग रहा है यार, बहुत ही कम जगह है इसमें। मैं अपना पर्स डाल के देखता हूँ, ये देखो ऐसे डालूंगा तो आ जाएगा, अगर इसको ऐसे डालता हूँ तो नहीं आता। और बोतल तो आई थिंक इससे चौड़ी होती है, तो बोतल की जगह नहीं। और पीछे का क्या हाल है, पीछे आ जाती है बोतल यहाँ? हाँ, यहाँ आई थिंक आ जाएगी 1 लीटर की बोतल। तो ये वाकई ये एक प्रॉब्लम है जो टाटा टियागो में। राहुल अब नेक्स्ट पॉजिटिव बताएंगे, हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। पहले भी गाड़ियाँ चलाई है मैंने, 2-3 गाड़ियाँ चलाई हैं। पहले मेरे पास भी गाड़ी थी, उसका हॉर्न बजाने के लिए बीच में दबाव करना पड़ता था। अभी ये ज़्यादा बेटर है, साइड से ही हॉर्न बजाए जा सकते हैं। ठीक बात, ठीक है। और इसका स्टेयरिंग का भी बॉटम साइज, आज फ्लैट बॉटम जो दे रखा है ये हमें थोड़ी और जगह दे देता है। अच्छा, एक मोबाइल का स्पेस आप बता रहे थे? हाँ जी, मोबाइल रखने के लिए भी यहाँ अलग से दे रखा है। अच्छा, वहाँ पे आपने मोबाइल का सिस्टम वो बना लिया एटीएम कार्ड रखने के लिए। और अगर बात करें तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से काफी जगह है मोबाइल की। देखो नेक्सोन मेरे पास है, नेक्सोन में कोई डेडिकेटेड जगह नहीं है मोबाइल फोन रखने की, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसका म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा, हारमन का। अच्छा, हाँ ये तो देखो जग जाहिर है, हारमन का म्यूजिक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। और आई थिंक अगर आपने जो पहले गाड़ी देखी है या और भी अगर कोई गाड़ी देखी है तो उनसे आपको बेटर लगा या कैसे, आपको क्या लगा? बेटर है। अच्छा अच्छा, तो वो काफी बढ़िया लगे। और अब मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर मैंने देखा है, जब हम पॉजिटिव इनके पूछ रहे थे तो कुछ नेगेटिव भी मेरे को अंदर ही दिखे। नेक्स्ट नेगेटिव की बात करें तो थोड़ा नज़दीक ये देखो, अब इसका डैशबोर्ड बंद है, मैंने खोल दिया, ये बंद है। और अब देखो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। टाटा के साथ यार ये फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे पैनल गैप ज़्यादा है, यहाँ जाते जाते बढ़िया हो गया ये पीछे बैक में भी है। बैक, ये बात पता नहीं कितनी बार हम बोल चुके हैं कि टाटा की जो क्वालिटी है
भारी गाड़ी है, ठीक है बनाते हैं, लेकिन फिट एंड फिनिश में बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो 2 महीने पुरानी गाड़ी है, उसमें भी फिट एंड फिनिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर पॉजिटिव की बात करें तो काफ़ी आपने सुना होगा कि टाटा टियागो का जो 3 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन इंजन है, इसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं। लेकिन उसका एक डेमो में दिखा देता हूँ वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है। पॉजिटिव में इसको इसलिए गिन के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ड्राइव किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट गियर लगाता हूँ, हम मान लेते हैं कि हम खड़े हैं अभी इस टाइम पे ट्रैफिक जाम में, जहाँ पे हमें सिर्फ क्लच और ब्रेक का काम करना है, रेस का हमारा कोई काम नहीं है। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है, क्लच अभी मैं छोड़ रहा हूँ, रेस पर मेरा कोई पैर नहीं रहेगा। और आप यहाँ देख लीजिए कितने वाइब्रेशन आएंगे कि नहीं आएंगे। आई थिंक हार्डली आपको शायद ही कोई वाइब्रेशन महसूस हो रहा हो। अभी सिर्फ क्लच मैंने छोड़ा है, गाड़ी हमारी 9 या 10 के आसपास स्पीड पे चल रही है। अब मैं सेकंड गियर भी शिफ्ट कर रहा हूँ, रेस मैंने अब तक नहीं दी है, क्लच दबाई, सेकंड गियर मैंने फिर से छोड़ दिया, देखिए थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन आया और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गाड़ी अब 15 से 16 की स्पीड पर चल रही है, थोड़ी वाइब्रेशन और देख लेते हैं, फिर से मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ। फटाफट क्लच दबा के थर्ड गियर मैंने लगाया, रेस मैंने नहीं दी, शायद ही आपको कोई वाइब्रेशन मिलेगी। अब हमारी गाड़ी और भी अच्छी स्पीड पर, बढ़िया स्पीड में चल रही है। तो वो बात करें कि ये जो सिलेंडर, जो ये जो इंजन है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस आती हैं, 3 सिलेंडर इंजन है, ऐसी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप पंच खरीदने की सोच रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन है, सेम इंजन है लेकिन उसका वेट ज़्यादा है। तो आप पंच खरीदने से पहले एक बार इसको भी आप ट्राई कर लेना। पंच पे एक मैंने वीडियो बनाई है कि उसके वो मॉडल आप लेने से पहले, क्रिएटिव आप अकम्प्लिश लेने से पहले कुछ और गाड़ियाँ हैं उनको टेस्ट राइड कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव की। इस नेगेटिव के बाद मैं आपको बहुत ही बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा नेगेटिव इस गाड़ी का बताऊंगा। उस पॉजिटिव को सुनने के बाद आप तुरंत ये गाड़ी ले लेंगे और उस नेगेटिव को लेने के बाद तुरंत जो आपने गाड़ी ले भी रखी है ना, तो आप उसको छोड़ देंगे टाटा टियागो को। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट नेगेटिव की। नेक्स्ट नेगेटिव राहुल आप बता रहे थे क्या है वो? नेक्स्ट नेगेटिव था जी, देखो हालांकि वो टियागो का नेगेटिव नहीं है, वो टाटा का नेगेटिव है, ठीक है? तो क्या था होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए। मैंने पूछा कि इसके चाबी और पाने जो आते हैं वो कहाँ है, उन्होंने सिर्फ ये देखा नीचे और जैक तो है लेकिन बोला कि चाबी पाने इसके नहीं आते, वो इसे टॉप मॉडल में आते। अच्छा, लेकिन मेरे को किसी दूसरे महिंद्रा कंपनी वाले ने, मेरा फ्रेंड है, उसने बताया कि इसके चाबी पाने यहाँ है। उनको तो खुद टाटा वालों को तो पता नहीं था लेकिन दूसरी कंपनी वाले ने बताया। जो हम सुनते हैं अक्सर कि टाटा की सर्विस हिट एंड मिस है, ये तो सर्विस का भी कोई इशू नहीं है, मतलब उनको अपने ना प्रोडक्ट की नॉलेज आज भी नहीं है। सबसे बड़े पॉजिटिव और सबसे बड़े नेगेटिव से पहले मैं एक थोड़ी सी लालच की बात कर देता हूँ। यार मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो मेरे को एक सब्सक्राइब तो आप दे ही सकते हैं, सिर्फ हिट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, थैंक यू। अगर एक इसके सबसे बड़े पॉजिटिव की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट में जो फीचर्स टाटा टियागो आपको ऑफर करती है वो फीचर आपको किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे इस कंपटीशन में। इन्होंने मेरे ख्याल से स्विफ्ट को भी देखा है, i10 को भी देखा है, टियागो को भी देखा है, ये सेफ्टी, ये फीचर्स और इंजन की परफॉर्मेंस आपको किसी भी और गाड़ी में इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगी। इसीलिए आई थिंक ये जिस दिन गए थे सेम डे गाड़ी लेकर, उसी दिन ये लेकर आए थे, उसी दिन ये मारुति के पास भी गए थे, वो भी देने को तैयार थे, हालांकि 1-2 दिन लग जाता, वो भी देने को तैयार थे, बाकी भी देने को तैयार थे, लेकिन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको टाटा टियागो से मिलेगी। और अगर नेगेटिव की बात करें टाटा टियागो के लिए सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट आया है वो है टाटा पंच। खुद राहुल को भी नहीं पता था कि टाटा पंच आने वाली है और इनका भी यही कहना है कि अगर आज टाटा इसको रिप्लेस कर दे तो ये खुद पंच ले आएंगे, या इनको अगर 2 महीने पहले पता होता कि पंच आने वाली है तो शायद ये टाटा टियागो ना लेकर और टाटा पंच लेकर आते। तो यही था हमारा आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।